तो किसानों को भी आंदोलन जीवी आतंकवादी पता नहीं क्या क्या कह रहा था, तो इनकी तो आदत है आंदोलन तोड़ने के लिए ऐसे आरोप लगाना। वैसे तो इस सरकार से न्याय की आस करना गलत है। 3 महीने पहले भी इन बच्चों ने आंदोलन किया था। मोदी जी असल में पूंजीपतियों के सेवक हैं, उनसे चुनावी चंदा लेते हैं और बढ़ने के बाद उनको पूरा देश बेच रहे हैं। गब्बर सिंह को क्या होता था लोगों को लूट के, एक तरह की लूट है सीधी इनकी, और अपने राज में मौज मार रहे हैं, कारपोरेट की सेवा कर रहे हैं। आम आदमी की तो किसी की नहीं सुन रहे, किसानों ने आंदोलन किया उनकी नहीं सुनी। आइसोलेट करके एक मुद्दा नहीं उठता, देश में सारी समस्याएं सारियों पर बोलना पड़ेगा, किसानों की समस्या पर भी बोलना पड़ेगा, शिक्षा पर भी, स्वास्थ्य पर भी, बेरोजगारी पर भी, महंगाई पर भी। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये सारे महिला रेसलर्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मेरे साथ एक व्यक्ति है, हम इनसे बात करेंगे कि क्या हुआ, अभी तक आप लोगों को न्याय नहीं मिला और कब तक उम्मीद है आप लोगों को न्याय मिल जाएगा। वैसे तो इस सरकार से न्याय की आस करना गलत है। 3 महीने पहले भी इन बच्चों ने आंदोलन किया था और तब उठा दिया और मैरी कॉम को अध्यक्ष बना के जांच बिठा दी। मैरी कॉम ने एक दिन भी काम नहीं किया, बल्कि राधिका को दे दिया, वो अवेलेबल ही नहीं है मैरी कॉम। और 3 महीने बाद भी कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, और जब एक संयम का सीमा टूट जाती है तो दोबारा बैठे हैं। अब दिल्ली देश की धड़कन है, यहाँ राज्य है, यहाँ प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इसके अलावा और जाएँ कहाँ। उनको बात सुनाने आए थे, अब आज 13वां दिन हो गया, वो सुन नहीं रहे हैं बात। आपको दिक्कत है सरकार से या ब्रजभूषण सिंह से? सरकार से भी है और ब्रजभूषण जैसे लोगों से भी है, वो सरकार का हिस्सा है, उन्हीं से सरकार बनती है, एमपीओ से। जिसके पास ज्यादा एमपी है उनका जो प्रमुख है वो सरकार बनाता है। तो ब्रजभूषण भाजपा का सांसद है 6ठी बार का। तो समस्या ये जो राजनीतिक पार्टी है ना भाजपा, ये सारे देश के लिए समस्या है, साधारण पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आप कैसे बोल सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और आप ऐसे पार्टी को आप इस तरीके का बात कर रहे हैं? आप बोलिए ब्रजभूषण सिंह को जेल में डालिए, लेकिन भाजपा को लेके पूरी भाजपा को आप बदनाम कर रहे हैं। ऐसा है, आइसोलेट करके एक मुद्दा नहीं उठता, देश में सारी समस्याएं सारियों पर बोलना पड़ेगा, किसानों की समस्या पर भी बोलना पड़ेगा, शिक्षा पर भी, स्वास्थ्य पर भी, बेरोजगारी पर भी, महंगाई पर भी, सबको। ये जो तरीका है ना कि आइसोलेट करके एक इशू उठा लो, ये सही तरीका नहीं मानता मैं। सही तरीका है चीज़ों को समग्रता में देखिए, टूटे हुए दृष्टिकोण से ना देखिए। और शिक्षा में हमारे देश की हालात तो आज बांग्लादेश से भी पीछे है, भूटान से भी पीछे है। शिक्षा में कहाँ बेटियाँ पढ़ा रही, आज भी हमारे 38% अनपढ़ बेटियाँ हैं। स्कूल 65,000 बंद हो गए मोदी के आने के बाद। नई शिक्षा नीति है वो तहस नहस कर रही है ढांचे को, जो ढांचा हमारा बना हुआ था। लाखों पद अध्यापकों के खाली पड़े हैं, उन पर भर्तियां नहीं है, और भर्तियां हैं तो थोड़ी थोड़ी तनख्वाह पे। मोदी जी से क्या, मोदी जी को क्या मिल जाएगा ये सब करके, ये बताइए फायदा क्या? मोदी जी असल में पूंजीपतियों के सेवक हैं, उनसे चुनावी चंदा लेते हैं और बढ़ने के बाद उनको पूरा देश बेच रहे हैं। अडानी को सारे ऊर्जा के स्रोत दे दिए, सारे हवाई अड्डे दे दिए, रेल के वो दे दिए, उसको फायदा। गब्बर सिंह को क्या होता था लोगों को लूट के, एक तरह की लूट है सीधी इनकी, और अपने राज में मौज मार रहे हैं, कारपोरेट की सेवा कर रहे हैं। आम आदमी की तो किसी की नहीं सुन रहे, किसानों ने आंदोलन किया उनकी नहीं सुनी, मजदूरों की नहीं सुन रहे, विद्यार्थियों की नहीं सुन रहे, खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे। लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये किसान आंदोलन 2 है, यहाँ पे दूसरा किसान आंदोलन ये लोग शुरू कर लिए हैं। एक ही टीम के लोग हैं जो किसान आंदोलन में भी रहते हैं, सारा आंदोलन में वही लोग रहते हैं। दिक्कत इनको क्या है, दिक्कत ये है कि हमारे गाँव की बेटियाँ किसान की मजदूर की वो आगे बढ़ के आ गई, जो हमारा सामंती समाज है उसके बंधनों को तोड़ के खेल में दुनिया के लेवल पर, देश के लेवल पर आगे आ गई। वो गले नहीं उतर रही इनको, वो चाहते नहीं कि गांव के लोग आगे बढ़े। इसलिए जब वो किसान की बेटी है, मजदूर की बेटी है, साधारण आदमी की बेटी है, तो हम अपनी बेटियों को अलग कैसे छोड़ सकते हैं? हमारी बेटियां हैं ये, उनको कोई तकलीफ है तो उनकी तकलीफ में हम शामिल होंगे? ये तो किसानों को भी आंदोलन जीवी आतंकवादी पता नहीं क्या क्या कह रहा था। तो इनकी तो आदत है आंदोलन तोड़ने के लिए ऐसे आरोप लगाना।
ये हमारी बेटियां हैं, इन बेटियों के दुख सुख से हम अलग नहीं हो सकते और इनके दुख सुख में हम साथ हैं। कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं ये लोग परिवार बात कर रहे हैं एक राज्य से। जंतर मंतर पर आके राजनीति करने की जरूरत नहीं है हमें, हमने राजनीति करनी है अगर पंचायत लेवल की तो गांव में वोट मांगूंगा वहां से करूंगा, जिला लेवल की करनी है तो मैं जिला परिषद में जाऊंगा, MLA बनना है तो वहां लोगों के बीच वोट देंगे वो लोग बनाते हैं। यहां कोई वोट जितने लोग आए हुए हैं जो मेरे साथ है उसने छोड़ के और वोट थोड़ा देगा मेरे बोलने से, यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही, यहाँ न्याय की मांग है। एक गुंडा है और वो लड़कियों का शोषण कर रहा है, उसके ऊपर FIR है, पॉस्को एक्ट है, पॉस्को एक्ट लगने के बाद तो एक दिन भी बाहर नहीं रहना चाहिए, वो अंदर होना चाहिए था जेल में। ये तो कह रहे हैं हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया है, हम शरीफ हैं, हमसे वो आती हैं गले लगने के लिए, हम नहीं जाते उनके पास, इस तरह की बातें कह रहे हैं। वो ऐसे कह रहे हैं तो बहुत शर्म की बात है, कोई भी महिला, आप भी मेरी बेटी हैं, मेरी भी बेटी पैदा हुई है, वो किसी के गले लगने नहीं जाती, बल्कि ये फंसाते हैं उनको, फिजिकल फिट नहीं है आपका, यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा, टीम से आउट कर देंगे, लड़कियों को फंसाते हैं ये, लड़कियाँ अपने आप नहीं जाती, इस कुर्सी पे क्यों बैठा है ये, अगर इसमें इतना मज़ा नहीं है तो छोड़ देना, ये सारे खेल संघों पर कब्जा किया। अपराधी बन के मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अपराधी तो है ही वो, ये 48 केस लगे हुए हैं आज का थोड़ा, 1984 लेके और 2013 आ गया, ये लिस्ट लगी हुई है, आप इसके फोटो उतार लो, अब वो खुद TV चैनल पर मानता है कि मैंने मर्डर किया है, मर्डर करने वाला आदमी खुला कैसे घूम रहा है, अंदर होना चाहिए उसको तो, बल्कि फांसी दी जानी चाहिए। तो क्या लग रहा है कब तक इन लोगों को न्याय मिलेगा, कब तक ये सारी जो धरना ये काल में लड़ाइयाँ लंबी चलेंगी, मैंने पहले बोलते हुए कहा था ये साधारण पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, घोर सांप्रदायिक जाति पर बंटवारे पर विभाजन पर राज करने वाली है, इसलिए किसानों का एक साल चला था तो लंबा चलेगा ये आंदोलन, और इस आंदोलन को हम कोशिश करेंगे गांव-गांव ढाणी ढाणी किसानों में मजदूरों में खेतों में काम करने वाले रोड पर काम करने वाले पढ़ने वाले सभी बच्चों में लेके जाएंगे और इन कसाईयों को भेड़ियों को अंदर करवाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि ये ऐसा दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार में न्याय मिलना मुमकिन नहीं है, जिस तरह से किसान जो है 13 महीने तक धरने पे थे उसी तरह से ये भी रहेंगी और ये न्याय लेकर ही यहाँ से जाएंगे। थैंक यू। और आप लोग को इस पूरी खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।